तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली विश्व की प्रथम महिला जुनको ताबाई के बारे में। माउंट एवरेस्ट के अलावा सेवन समिट्स पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली वो प्रथम महिला थी। सेवन समिट्स यानी पृथ्वी के जो सात महाद्वीप हैं, उन हर एक महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर को सेवन समिट्स कहा जाता है। एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मी सात भाई बहनों में पांचवी लड़की जुनको ताबेई के लिए यह सफर आसान नहीं था। मुश्किलें तो हर एक बड़े सफर में आती है, पर मंजिल तक वही पहुंचता है जो बिना डरे उसका सामना करे। जुनको ताबेई का जन्म 22 सितंबर 1939 के दिन जापान के मिहारू में हुआ था। बचपन में शारीरिक कमजोरी होने की वजह से उन्हें एक कमजोर लड़की समझा जाता था, लेकिन जब जुनको ताबेई ने 10 साल की उम्र में अपने स्कूल पिकनिक्स में पर्वतों पर चढ़ना शुरू किया, तब सबको उनकी ताकत के बारे में पता चला। सब लोग अपने आप ही समझ गए कि तन की ताकत से ज़्यादा मन के इरादे पक्के होने चाहिए। जुनको ताबेई को छोटी उम्र में ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक जगा, पर उनका परिवार इतना पैसों वाला नहीं था कि जुनको के ऐसे महंगे शौक को वो पूरा कर सके। फिर भी अपने स्कूलिंग के दौरान उन्होंने कुछ पहाड़ों पर चढ़ाई की और कुछ पर्वतों पर चढ़ाई की रात को अपने सपनों में। 1962 में जुनको ताबेई ने सोवा वुमेन्स यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर एंड एजुकेशन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यहाँ वो माउंटेन क्लाइंबिंग क्लब की मेंबर भी थी। अपने कॉलेज टाइम में भी उन्होंने कई पहाड़ों पर चढ़ाई की, लेकिन यहाँ पर्वतों पर चढ़ने का अनुभव उनके लिए ठीक ठाक ही था, क्योंकि कुछ मेल माउंटेनियर्स जुनको ताबेई को अपने साथ लेना ही नहीं चाहते थे, और जो उन्हें अपने साथ ले जाते वो अपनी ही मर्जी चलाते, मानो वो जुनको ताबेई के पति हो। इसीलिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जुनको ताबेई ने एक नया क्लब बनाया जो सिर्फ महिलाओं के लिए था, और उसका नाम रखा लेडीज क्लाइंबिंग क्लब। इस क्लब का स्लोगन था, चलो अपने आप से एक विदेशी अभियान पर चलते हैं। इस प्रकार का महिलाओं के लिए एक अलग क्लब पूरे जापान में पहला था। बाद में जुनको ताबेई ने माउंट फूजी और मैटरहॉर्न पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ान की। तब जाके 1972 में जापान में उनको एक माउंटेन क्लाइंबर की तरह देखा गया। इससे पहले जुनको ताबेई ने 19 मई 1970 के दिन अन्नपूर्णा 3 पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ान की, जो नेपाल में है और उसकी ऊंचाई 7,555 मीटर है, यानी कि वो माउंट एवरेस्ट से 1300 मीटर ही छोटा था। अन्नपूर्णा 3 पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ान करने के बाद जुनको ताबेई ने माउंट एवरेस्ट पर जाने के बारे में सोचा। माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, और उस वक्त एक भी महिला उसके शिखर तक पहुंच नहीं पाई थी। जुनको ताबेई ने अपने लेडीज क्लाइंबिंग क्लब में से कुछ महिलाओं को माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार किया। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले इस ग्रुप का नाम रखा जापानीज वुमेन्स एवरेस्ट एक्सपीडिशन JWEE। इस ग्रुप में कुल 15 महिलाएं थी, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं वर्किंग वुमन थी। कुछ महिलाएं टीचर्स थी तो कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामर, और एक तो जुबिलियन काउंसलर भी थी। 2 महिलाएं बच्चों की माँ थी, जिसमें से एक जुनको ताबेई थी। ग्रुप तो तैयार हो गया, पर सबके पैसे मिलाकर भी इतने पैसे नहीं हो रहे थे जिससे माउंट एवरेस्ट का खर्चा निकल सके। तो खर्चा निकालने के लिए जुनको ताबेई ने स्पॉन्सर को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने कई ऑफिसेस और कंपनीज में जाकर स्पॉन्सरशिप की बात की। जापान की इतनी फेमस माउंटेन क्लाइंबर को भी सभी जगह से रिस्पॉन्स मिलता था कि महिलाओं को माउंटेन क्लाइंबिंग करने की बजाय बच्चों को संभालना चाहिए। जुनको ताबेई यह सुनकर थोड़ी निराश तो हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और स्पॉन्सर को खोजना जारी रखा। उन्हें अंदर से विश्वास था कि कोई तो ऐसा जरूर होगा जो उनकी बात को समझेगा। आखिरकार एंड टाइम पे यूम्यूरी शिम्बन न्यूज़पेपर और निप्पॉन टेलीविजन ने उनको स्पॉन्सर किया। उसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली सभी महिलाओं को एक एवरेज जापानी सैलरी जितना पैसा खुद निकालना पड़ा था। पैसे बचाने के लिए इस ग्रुप ने बेकार गाड़ियों के सीट की सिलाई करके
उससे वाटरप्रूफ पाउचेस और ओवर ग्लोव्स बनाए, चाइना से पंछियों के पंख खरीदे और उससे स्लीपिंग बैग बनाए। स्कूल के लड़कों ने अपनी स्कूल टीचर के लिए जैम के बिना इस्तेमाल किए गए पैकेट इकट्ठे किए। जितना कम हो सके उतना खर्चा कम करने का उन्होंने प्रयास किया। एक लंबी ट्रेनिंग के बाद 1975 में जुंको ताबाई के ग्रुप ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने के लिए तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने जो रास्ता अपनाया था वही रास्ता उन्होंने अपनाया। 4 मई तक यह ग्रुप ने 6,300 मीटर का सफर तो तय कर लिया था, लेकिन यहाँ से आगे जाना एवलेंस की वजह से मुश्किल हो जा रहा था। एवलेंस यानी जब पर्वतों से मिट्टी के साथ बर्फ ऊंचाई से नीचे धसी चली आती है उसे एवलेंस कहते हैं। एवलेंस की वजह से सभी महिलाएं और उनके शेरपा बर्फ के नीचे दब गए थे। जुंको ताबेई तो बेहोश हो गई थी। लगभग 6 मिनट के बाद उनके शेरपा ने उन्हें बाहर निकाला, तब जाके उनको होश आया था। इस घटना के 12 दिन बाद 16 मई को जुंको ताबेई और उनके शेरपा अंग शेरिंग दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए थे। और इसी के साथ जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली विश्व की सर्वप्रथम महिला बनी। जुंको ताबेई की इसी उपलब्धि के परिणाम स्वरूप उन्हें सम्मान के साथ देखा गया। तुरंत ही उनको नेपाल के राजा और जापानी सरकार से बधाइयां मिली। इस अभियान के बारे में टेलीविजन पर एक मिनी सीरीज भी बनाई गई। 1990 में जुंको ताबेई माउंट विंसन पर्वत पर गई, जो एंटार्क्टिका का सबसे ऊंचा शिखर है। 28 जून 1992 के दिन उन्होंने पुंचक जया पर्वत के शिखर पर कदम रखते ही विश्व की सर्वप्रथम महिला बनी जिसने 7 समिट्स सक्सेसफुली क्लाइम किए हो। अपने माउंटेन क्लाइंबिंग के करियर में जुंको ताबेई विश्व के 150 से भी ज़्यादा पर्वतों पर चढ़ाई की थी। माउंटेन क्लाइंबिंग के अलावा उन्होंने इकोलॉजिकल कंसर्न पर भी काम किया है। इकोलॉजिकल कंसर्न यानी अलग अलग वातावरण का सजीवों पर हो रही असर का विज्ञान। पर्वतारोहियों के द्वारा फैलाए जा रहे कचरे की वजह से पर्वतों का हो रहा नुकसान, इस विषय को ध्यान में रखते हुए 2000 में क्यूशू यूनिवर्सिटी में से जुंको ताबेई ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वो हिमालयन एडवेंचर ट्रस्ट ऑफ जापान की डायरेक्टर भी थी, जो वैश्विक स्तर पर पहाड़ों का वातावरण सुरक्षित रखने का काम करती है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो जुंको ताबेई की शादी मुशुनोबु ताबेई से हुई थी, जो एक माउंटेन क्लाइंबर थे। 1965 में जुंको ताबेई मुशुनोबु ताबेई से एक माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान ही मिली थी। फिर दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। उनके 2 संतान हैं, बेटी का नाम नोरिको और बेटे का नाम सिन्या। 2012 में जुंको ताबेई को पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी माउंटेनिंग एक्टिविटीज को जारी रखा। आखिरकार 20 अक्टूबर 2016 को कोवोगाई के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।